दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त राबिया स्कूल पहुंचे हैं डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ, और आप देख सकते हैं यहां पर राबिया स्कूल के समर्थन में भी लोग उतर कर आए। वो राबिया स्कूल स्टूडेंट, आई एम इन सपोर्ट ऑफ माय स्कूल माय राबिया। बच्चों को बंद करने का आरोप लगाइए, गलत नहीं मानते? ऑफ कोर्स इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, इट्स एन एलिगेशन। बंद नहीं किया गया, दैट्स एन एक्टिविटी रूम। सर अगर ये बंद करना ही है तहखाने में तो स्कूल भी मत भेजा कीजिए। स्कूल भेजने का क्या मतलब है? जब उनके पेरेंट्स आए वो उन्होंने देखा। कौन सी बात हुई कि स्कूल में मत भेजा कीजिए? अगर फीस के लिए बंद कर रहे हैं तो गलत है ना? फीस के लिए उन्हें बंद नहीं किया, तो उन्हें एक अलग स्पेस में अलग किया गया था बस, ताकि उन्हें पेरेंट्स कंसीडर करें। सपोर्ट में है, स्कूल में पढ़ते हैं आप? कहाँ से हैं? हम एलिमनी है स्कूल के, एलिमन आए हैं। और बच्चों को बंद नहीं किया गया था, उन्हें रखा गया था वहाँ पे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन्हें क्लास जिस जगह की बात हो रही है, ये सर हम इसी स्कूल में हैं, हम सीनियर मोस्ट क्लास है इस स्कूल की। और सर हम लोग आपको बताएंगे कि वो एक वेल फर्निश्ड रूम है सर, वो एक एक्टिविटी एरिया है सर, वहाँ पे फैंस हैं, वहाँ पे लाइट्स हैं, और वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग की सबसे कूलेस्ट जगह है। सबके अगर बच्चों को ये कह के अलग, एक सभी बच्चों से अलग रखा जाएगा कि आपकी फीस जमा नहीं हुई, आपके पेरेंट्स आएंगे तब आपको मिला दिया जाएगा, आपको नहीं लगता ये बच्चों के लिए उनके जहन पर गलत है? सर पेरेंट्स को कंसल्ट किया गया था, हमारे पास प्रूफ है, टीचर्स ने डायरी में नोट दिया है, उसके बाद भी पेरेंट्स ने कंसर्न नहीं किया। अगर फीस पेड थी तो पेरेंट्स को वो नोट पढ़ के स्कूल आना था। सपोर्ट में है यहाँ के कुछ एलुमिनी हैं, कुछ यहाँ अभी जो सीनियर क्लास में पढ़ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, छात्राएं जो स्कूल के सपोर्ट में हैं। इनका कहना है कि जो आरोप स्कूल के खिलाफ लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये स्कूल के पक्ष में बाहर नारेबाजी हो रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूल के अंदर स्कूल प्रशासन बच्चों और पेरेंट्स से मुलाकात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो बहुत दिलचस्प घटनाक्रम, आपको याद होगा कि कल आज की बड़ी खबर में 10 बजे हमने इस मुद्दे को उठाया था कि किस तरह से जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों के मां बाप ने फीस नहीं दी थी उन्हें इस तरह से अलग रखा गया था। करीब 40 बच्चियों का नाम सामने उभर कर आया था। स्कूल लगातार कह रहा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अब उनके समर्थन में राबिया स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी आ गए हैं, मगर समानांतर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त राबिया स्कूल के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं। तो जबरदस्त ड्रामा इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक के राबिया स्कूल पर। ये वो तस्वीरें हैं जो शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें थी, जब 40 बच्चियों को बंधक बनाया गया था इस तरह से, और पुलिस अब भी इसके खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज की थी। हम आपको बता दें जब एबीपी न्यूज पर एक खबर दिखाई गई थी, और स्कूल जो है अब भी इसे कुछ गलत नहीं मानता है, और यही नहीं कुछ पुराने छात्र भी अब मैदान में आ गए हैं, वो स्कूल के सामने मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं किया गया है, पेरेंट्स से पूछकर इस तरह से किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं चांदनी चौक के स्कूल में, क्योंकि कल एबीपी न्यूज पर आपने खबर देखी थी, हमने इस अमानवीय मुद्दे को आपके सामने उठाया था, और हमारे अमानवीय कहने की वजह भी बहुत साफ है, वो ये कि अगर आपने स्कूल की फीस नहीं दी है तो आपको कोई अधिकार नहीं है, स्कूल को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से बच्चों को अलग रखा जाए, वो भी बेसमेंट में। राबिया स्कूल में जबरदस्त हंगामा, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी खबर आप सामने देख रहे हैं, वो खबर जिसे सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपके सामने उठाया था, और कल आज की बड़ी खबर में इस खबर को उठाने का नतीजा ये था कि स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज हुआ। हम आपको ये भी बता दें इससे पहले भी ये मामला हुआ था, मगर उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके सामने पहुंचे हैं दिल्ली के राबिया स्कूल, दिल्ली के चांदनी चौक के राबिया स्कूल। कल आपने देखा था आम आदमी पार्टी में नेता और मंत्री इमरान हुसैन, वो भी सामने आए थे, उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से भी सवाल किए थे, डॉक्टर उस्मानी से, कि आखिर क्यों और किसने आपको अधिकार दिया बच्चों को अलग रखने के लिए।
तो एबीपी न्यूज पर आप देखने वाले हैं आज की दो बड़ी खबरें। राबिया स्कूल में अरविंद केजरीवाल पहुंचे और दूसरी तरफ पटना में अमित शाह 10 बजे लैंड कर चुके हैं और आज उनकी दो मुलाकातें होने वाली हैं नीतीश कुमार के साथ। और कहीं ना कहीं ये मुलाकात ये बात तय करेगी कि बिहार में मोदी को या बीजेपी को पिछली बार के की तरह 30 से ऊपर सीटें मिलेंगी या फिर सियासत कुछ और होगी। मगर एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम रुख करेंगे वो खबर जो हमने कल 10 बजे उठाई थी आज की बड़ी खबर में और जिसका परिणाम आपके सामने है। राबिया स्कूल के खिलाफ इन शर्मनाक तस्वीरों के चलते एफआईआर दर्ज हुई थी जहां बेसमेंट में उन मासूम बच्चियों को रखा गया था, उन मासूम बच्चियों को जिनके पिता ने या जिनके मां बाप ने फीस नहीं दी थी। मगर आज दो अहम घटनाएं हो रही हैं। पहली बात, राबिया स्कूल के समर्थन में उनकी पुरानी छात्राएं मैदान में हैं, ये देखिए, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मैदान में इस वक्त, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शुरू करते हैं, हम सीधे रुख करते हैं। जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्कूल में पहुंचे, राबिया स्कूल, लेकिन यहां पर स्कूल के पक्ष में और जो बच्चों के गार्जियंस हैं वो उनमें एक तरह से टकराव की स्थिति देखने को मिली है। कुछ लड़कियां जो खुद स्टूडेंट बता रही है और एलुमनी बता रही है वो स्कूल के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनके खिलाफ हैं। क्या हुआ सर? सर, हम स्कूल बंद करने के बिल्कुल फेवर में नहीं है। अच्छा। हम स्कूल के 2500 बच्चे यहाँ पढ़ती हैं, उन्हें कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को पढ़ाने अगर स्कूल पे कोई एक्शन? हम कहते हैं प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, स्कूल के खिलाफ हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। मैनेजमेंट के खिलाफ? मैनेजमेंट भाई, हमारे 2500 बच्चे पढ़ती है, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को पढ़ने के लिए? नहीं, परसों जो घटना हुई थी स्कूल में बच्चों को बंद करने वाली, वो किस तरह से आप देखते हैं? वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है, जो भी करा रही वही है। इसमें हाँ बिल्कुल है, मैनेजमेंट की मैनेजमेंट सीधा झूठ बोल रहा है, कोई भी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये मैनेजमेंट के खिलाफ है, मैनेजमेंट के खिलाफ है, ना कि स्कूल के खिलाफ है। स्कूल हमारा है, स्कूल का एक आदमी खिलाफ नहीं हो सकता। हमारी बच्चियों का स्कूल है, हमारी बच्चे यहाँ पढ़ती हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं है। इसको मैनेजमेंट के खिलाफ, मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही मिसबिहेव करता है। मैनेजमेंट ने ऐसा किया होगा कि बिल्कुल मैनेजमेंट की मतलब ये फॉल्ट है। मैनेजमेंट जो बच्चों को पनिशमेंट दिया है, मैनेजमेंट अब तक इनको यहाँ पर कोई सॉरी फील नहीं करता। स्कूल के सपोर्ट में भी है यहाँ पर स्कूल, मैनेजमेंट ने टकराव पैदा किया है ये बच्चियों को खड़ा करके। वो बच्चे हमारी है और स्कूल के कोई खिलाफ नहीं है, बच्चियों को कोई खिलाफ नहीं है। भेजा गया है, भेजा है बच्चों को, बिल्कुल बच्चों को भेजा है, बिल्कुल डराया है बच्चों को, डराया बिल्कुल नहीं है बच्चों को। टकराव की स्थिति यहाँ पर है, आज हमारी बच्चे हमारे खिलाफ खड़े कर दिए नाहिद उस्मानी ने लाकर। हम भी नहीं चाहते स्कूल बंद हो, फिर हम ये चाहते नाहिद उस्मानी और मैनेजमेंट ठीक हो। बच्चे ये अच्छा सपोर्ट नहीं है स्कूल का, आप कह रहे हैं कि ये स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से किया? स्कूल से स्कूल मैनेजमेंट ने यहाँ लेकर आए, उन्हें उन्हें पता ही नहीं। बात अभी अभी आपके ही चैनल पे एक लड़की ने बोला कि ये गलत किया, उन्हें बंद करा, फिर उनकी मैडम ने उनका हाथ पकड़ा के ये मत कहो, ये क्या बात हुई? दरअसल स्कूल के बाहर एक स्थिति ये बन गई है कि जो यहाँ स्कूल के समर्थन में कुछ लड़कियां यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से ये प्रायोजित है पूरी तरह से, जो पक्ष में बोल रहे हैं। तो एक टकराव की स्थिति स्कूल के बाहर है और अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूल के भीतर मौजूद हैं, मीडिया बाहर है। अभी देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज दिल्ली। जावेद अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जावेद मंसूरी इस वक्त वहां पर हैं और बहुत ही दिलचस्प स्थिति यहां पैदा हो गई है। एक तरफ मां बाप खुद आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बच्चियों को हमारे सामने ला खड़ा किया गया है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं नाहिद उस्मानी के, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल की। कल आपको याद होगा जब नाहिद उस्मानी से हमने इन्हीं तस्वीरों को लेकर सवाल किया था तो उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब भी स्कूल अपनी गलती मानने को राजी नहीं है, मैनेजमेंट अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं मानता है कि ये अमानवीय तस्वीरें आपके सामने हैं। फीस ना देने की वजह से बच्चों को सेग्रीगेट किया गया, बच्चों को अलग रखा गया और फिर इसे जायज ठहराने की वजह ढूंढी गई।
और अब देखा आपने बहुत जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, साथ में मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ देखिए दो खेमों में बढ़ गया है यह संघर्ष। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, कल एबीपी न्यूज ने शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया था, नतीजा यह हुआ कि आज FIR दर्ज हो गया, आज अरविंद केजरीवाल हैं, मगर ड्रामा भी बदस्तूर जारी है। जावेद, बिल्कुल अभिसार, यहाँ पर स्कूल के भीतर मुख्यमंत्री अभी मौजूद है, लेकिन अगर स्कूल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर भारी भीड़ जमा है। ये स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ पर हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बाहर स्कूल के बाहर का नज़ारा दिखाएं। यहाँ पर बेसिकली दो पक्ष नजर आ रहे हैं, एक वो लड़कियाँ जो स्कूल के पक्ष में पंफलेट लेकर खड़ी हैं, उनका कहना है कि स्कूल की तरफ से जैसे आरोप लग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। दूसरा एक ग्रुप वो है जो ये कह रहा है कि ये जो लड़कियाँ यहाँ पर आई हैं ये स्कूल प्रशासन की तरफ से भेजी गई है, एक तरह से प्रायोजित है। यहाँ पर कुछ गार्जियंस भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, यहाँ पर एक स्थिति ये बन गई है कि कुछ लड़कियाँ जो हैं स्कूल के समर्थन में हैं, क्या कहेंगे आप? सर, उनको लड़कियों को नीचे निकाला गया कि आप स्कूल का समर्थन करें, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो होते हैं वो बहुत शातिर दिमाग के होते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को बचाना चाहते हैं, और ये पेरेंट्स भी अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में भी जो ये हुआ था तो प्रिंसिपल बहुत चाल चल चुका। मैंने मीडिया में व्हाट्सएप वीडियो डाली, मीडिया वालों को पैसा खिलाया, पुलिस वालों के पास गई, पुलिस वालों को पैसा खिलाया, LG हाउस, मुख्यमंत्री सिसोदिया, केजरीवाल सबके पास गई, मेरी नहीं सुनी। आखिरी में उस स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कहना चाहती है, स्कूल के खिलाफ जैसे आरोप लगे हैं क्या वो आरोपों में सत्यता है? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने वीडियो देखी, मैं न्यूज बहुत गौर से देखती हूँ, उसमें सत्यता है। अगर इन्होंने बच्चे को भी नीचे खेलने के लिए अगर भेजा है, प्रिंसिपल कहता है, तो तीन चार टीचर उधर जावेद किसी जावेद जावेद मैं बच्चों को समर्थन कर रही हूँ। जावेद, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिनके अपने बच्चे हैं। अगर बच्चों को नीचे खेलने के लिए भेजा था तो आसपास टीचर क्यों नहीं मौजूद थे? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्या कहेंगे आप? मेरे बच्चे स्कूल में, मैं पीछे, मेरे बच्चे 11th क्लास के अंदर है, और मैं इससे पहले मैं 5 साल यहाँ PTA का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, जिस बात मिसिज नाहिद उस्मानी या प्रिंसिपल नहीं थी, मिसिज परमजीत थी। हमारी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो हमारी बात को सुनती थी पेरेंट्स की। जब से मिसिज नाहिद उस्मानी प्रिंसिपल बनी है और मिस्टर समर हामिद मैनेजर बने हैं, तब से इन्होंने पेरेंट्स से मिलना बहुत दूर कर दिया, बात तो करनी बहुत दूर की बात है। जब कम्युनिकेशन गैप होता था तो लोग एग्रेसिव हो जाते थे। बच्चा अभी यहाँ पे कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा 11th के अंदर है, मेरी बच्ची का नाम अजमी नूर है। ये जो आरोप लग रहे हैं स्कूल प्रशासन के खिलाफ, आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? सर, ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये पीछे से हुआ होगा। मैं आपको बताऊं, ना हमें कोई टीचर से शिकायत है, ना हमें कोई वाइस प्रिंसिपल से शिकायत है, हमें प्रिंसिपल से शिकायत है, मिसिज नाहिद उस्मानी से और मैनेजमेंट से। स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, हमारी 2,500 बच्चे यहाँ से पढ़ती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के हमारे उम्मीद कर रहे हैं। CM यहाँ पर पहुंचे, डिप्टी CM पहुंचे हैं, और एक विवाद बड़ा हो गया है, सब लोग देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? सर, मेरे हिसाब से तो स्कूल जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो चेंज होना चाहिए, प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए। प्रिंसिपल साहिबा जो है हमारी, कभी भी PTA अपनी बना लेती है 2 टाइम से, उसमें पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता कि कौन सी PTA गई है, अपने हिसाब से लोगों को चुनती है और उसमें साइन करा के 20 से 25। ये बताइए, क्या ये पता चल सकता है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल कहाँ है, मनीष सिसोदिया कहाँ है? जावेद, एप्लीकेशन डिप्टी CM के भी गई है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इसके अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। मैं इस बात से आपके देखिए, अरविंद केजरीवाल पिछले 10 मिनट से यहाँ स्कूल के भीतर मौजूद है, डिप्टी CM भी है जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ बाहर मीडिया अंदर जो है अभी नहीं जा सकता है, बाहर इंतजार कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब आएंगे वो क्या बात करेंगे। लेकिन जो बताया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, वो स्कूल प्रशासन बच्चों और उनके पेरेंट्स से वो यहाँ पर बातचीत करेंगे। अभी वो अरविंद केजरीवाल स्कूल के भीतर ही मौजूद है और हम सब यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तो वो क्या कहते हैं, क्या स्कूल के खिलाफ कोई बात कहेंगे, क्या कोई एक्शन होगा, जैसे कि कुछ यहाँ पर गार्जियन जो है वो उम्मीद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल बंद ना हो ये हम चाहते हैं, लेकिन स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ है, उसका रवैया ठीक नहीं है, ऐसा उन लोगों ने कहा है जो जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, ऐसे लोगों से भी हमने बात की। जी अभिसार, जावेद मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ पुलिस का भी जबरदस्त बंदोबस्त है, वहां पे टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है, माँ बाप कह रहे हैं कि भाई हमारी बच्चियों को ही हमारे सामने खड़े कर रहा है स्कूल मैनेजमेंट, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल नाहिद उस्मानी जो हैं वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है अभिभावकों में। आप
देखिए अभिसार, हम आपको बता दें कि यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो लगातार स्कूल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। हमने जो हेडमिस्ट्रेस हैं फराह दीबा, जिन पर ये आरोप लग रहा था कि उन्होंने बंद कर रखा था, जो पेरेंट्स आरोप लगा रहे थे, उनसे हमने अरविंद केजरीवाल के आने से पहले बात की। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था जो पेरेंट्स बात कह रहे हैं। उन्होंने जो जहाँ बच्चों को रखा था वहाँ वो उनका एक्टिविटी रूम था, लेकिन हमने पूछा कि अगर बच्चों को फीस के लिए अलग रखा गया क्या बच्चों पर इसका असर नहीं पड़ेगा, इस बारे में भी हमने बात की। तो ये स्थिति यहाँ पर है। अब जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्कूल ठीक है, लेकिन जो स्कूल मैनेजमेंट है वो ठीक नहीं है, इस तरह की बात जो है वो कह रहे हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जब आएंगे तो वो क्या कहेंगे। जावेद, मुझसे बताइए, क्या आपके लिए संभव है उन बच्चियों तक पहुंचना जो स्कूल के समर्थन में उतर कर आई हैं? क्योंकि बहुत दिलचस्प स्थिति है, कुछ राबिया के एलमनाय भी इस वक्त मैदान में हैं, स्कूल के सामने हैं, मगर कोशिश करेंगे जो स्कूल के समर्थन में लड़कियां यहां पर मौजूद हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पर बड़ी संख्या में जो है वो लड़कियां यहां पर पहुंची हैं और उनके हाथ में पंफलेट भी हैं और वो आई सपोर्ट राबिया स्कूल के पक्ष में यहाँ पर खड़ी हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर वो सपोर्ट क्यों कर रही हैं। आप स्कूल के सपोर्ट में हैं? आप यहाँ पर पढ़े हैं कभी? पढ़े हैं, एक्स-राबिन्स हैं हम लोग। आरोप लगा है कि बच्चों को बंद कर दिया गया, फिर नहीं किया है, वहाँ पर लॉक ही नहीं है, गेट ही नहीं है, बच्चों को लॉक कैसे कर सकता है कोई, जब वहाँ गेट नहीं है, ताला नहीं है, जब छुट्टी होती है। मैं देख के आया हूँ कि गेट है वहाँ पे, कोई गेट नहीं है वहाँ पर, कौन सा गेट देख के आए आप? वहाँ पर गेट है, क्या कहना है कि वो एक्टिविटी रूम है, एक्टिविटी रूम है वो, स्कूल का ठंडा एरिया है, वो बेसमेंट है और वो स्कूल का सबसे ठंडा एरिया है, वहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं, ऑलरेडी लैपटॉप है जैसे कि आप देख सकते हैं, सब बोल रहे हैं कि वहाँ पर फैंस और लाइट्स नहीं थे, पेरेंट्स का ये कहना है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर फैंस और लाइट्स थे और जावेद, बच्चों को सजा नहीं दी गई। मैं एक राबिन से एक सवाल करना चाहता हूँ जावेद, मैं चाहता हूँ आप इनसे एक सवाल पूछें, जावेद इनसे आप एक सवाल पूछें कि क्या बच्चे जिन्होंने फीस नहीं दी थी उन्हें अलग रखा जाना चाहिए? क्या मासूम बच्चों को अलग रखा जाना चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए कि इन्होंने फीस नहीं दी है? क्या वो इस कदम को जायज ठहराते हैं? तो क्या उन्हें अलग रखा जाना चाहिए? आपको नहीं लगता कि उनको अलग नहीं रखा गया था एक्चुअल में, उनको सिर्फ छुट्टी के टाइम लाइन से अलग निकाल दिया गया था सो दैट पेरेंट्स को पता चल जाए कि इनके बच्चों की फीस नहीं है। हमारा सवाल है कि उनको अलग क्यों रखा गया, कि इन बच्चों को बिकॉज लास्ट 4-5 डेज से पेरेंट्स को रेगुलरली बुलाया जा रहा था स्कूल के अंदर कि आप लोग आइए, फीस पे किए, बस पेरेंट्स नहीं आ रहे थे, सो दैट उनको दिखाने के लिए बच्चों को अलग किया गया था कि आपके पर्टिकुलरली बच्चे ये नहीं आ रहे फीस पे करने के लिए। बच्चों को आप ये बता सकते हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि उनको फीस की वजह से अलग रखा गया, आपको नहीं लगता उनके दिमाग में डोंट नो अबाउट दिस? अंदर ट्वाइस अवेलेबल है। जावेद मैं आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट जावेद, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। आप जानते हैं कल जब एबीपी न्यूज ने खबर उठाई थी तब हमने कई माँ बाप की बातें आपके सामने रखी थी, उनमें मैं उस माँ को अब तक नहीं भूल पाया था जिसकी आवाज बिखर रही थी, आंसू थे उसकी आंखों में और वो ये कह रही थी कि मेरी बेटी अब स्कूल नहीं जाना चाहती है। ये कैसी एक्स-राबियंस हैं जिन्हें ये तक नहीं समझ आ रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हैं बच्चों के साथ, वो जिन्होंने फीस दी है, वो जिन्होंने फीस नहीं दी है, और वो इसे जायज ठहरा रही, ये चीज इन्हें समझ नहीं आ रही है। ये बड़ी समझदार सुलझी हुई लड़कियां हैं, ये वाकई दुखद करने वाली स्थिति है। और एबीपी न्यूज तमाम बड़ी खबरों पर बना हुआ है। आज की दूसरी बड़ी सियासी खबर है, अमित शाह जो हैं वो नीतीश कुमार से पहुंच गए। हम आपको बता दें मेरे साथ दो खास मेहमान भी, राजनीतिक एक्सपर्ट दिलीप मंडल, CSDS के संजय कुमार, आप दोनों का स्वागत है बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। विकास भदौरिया और आप देख सकते हैं प्रकाश कुमार इस वक्त पटना से लाइव हैं, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, मगर अपने आप में बहुत अहम मुलाकात यह मानी जाएगी और उसकी वजह को समझिए। अगर यह मुलाकात फेल हो जाती है तो बिहार की सियासी समीकरण बहुत जबरदस्त उसमें भूचाल आ जाएगा। सीधे रुख करेंगे विकास भदौरिया का। विकास, क्या ताजा जानकारी है? देखिए, अब ये मुलाकात जो शुरू होगी वो सुबह के नाश्ते पर शुरू होगी और एक मोटा खाका तैयार किया जा सकता है इस बैठक में। जो हमें जानकारी दी है बीजेपी के सूत्रों ने, उसके मुताबिक बीजेपी चाहती है कि JDU 8 से 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े। जो 2014 में जिन 32 सीटों पर उस समय का NDA जीता था वो
एनडीए के पास ही रहें, यानी कि बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी के पास रहें और शेष सीटों पर जेडीयू लड़े। इसके अलावा बीजेपी ये भी चाहती है कि जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, वो उसको तय करने में बहुत जल्दबाजी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए जो चेहरा प्रोजेक्शन होगा उसमें नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें भी जल्दबाजी दिखाने की। विकास बघारे मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि बीजेपी की सिफारिश है कि 8 से ज्यादा सीट्स वो नहीं दे सकते नीतीश कुमार को, नीतीश कह रहे हैं कि हमें कम से कम या तो आप 20 सीटें दीजिए, दूसरा फॉर्मूला ये है कि आप आरएलएसपी और पासवान को सीटें बांट दीजिए और फिर जितनी सीटें बढ़ जाती हैं उसमें 50-50 50-50%। और इस वक्त अरविंद केजरीवाल का रुख करते हैं जो राबिया स्कूल पर के बाहर हैं। जिन बच्चों को बेसमेंट में फीस ना देने के लिए रखा गया था, उन सभी बच्चों से बातचीत की है, उनके पेरेंट्स से बातचीत, प्रिंसिपल से बातचीत की है। प्रिंसिपल को अभी हमने सख्त हिदायत दी है कि ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो परसों हादसा हुआ था उसकी पुलिस में केस दर्ज हो गया है और दिल्ली सरकार भी इस पे इंक्वायरी कराएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी सख्त हिदायत अभी हमने प्रिंसिपल को दी है। लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके लिए इंक्वायरी करा के जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सख्त तेवर अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर आप एक बात पर गौर कर रहे होंगे, जब अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे तो जो पुरानी राबिया की स्टूडेंट्स हैं वो नारेबाजी कर रही थी, यानी कि उनके पक्ष में भी जो समर्थन है उसे बाकायदा मैदान में उतार दिया गया है। जबरदस्त ड्रामा इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक स्कूल के राबिया स्कूल में, जहां 2500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और राबिया स्कूल पर अभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।